दोस्तों आज हम फिर से ऐसे तीन बेहतरीन जगह देखने वाले हैं जहां आप अपने पूरे परिवार के साथ दिन भर धमाल मस्ती कर सकते हैं और वो भी मुंबई से कुछ ही दूरी पर। तो आइए देखते हैं वो कौन सी तीन जगह है जहां आप अपनी वन डे पिकनिक मना सकते हैं और साथ में यह भी देखते हैं कि यहां कैसे पहुंच सकते हैं। इन जगहों की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिनेमैटिक फिल्म्स में। आज की इस वीडियो में हमारी पहली जगह है फाउंटेन ऑफ जॉय, जो कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित धीरूभाई अंबानी स्क्वायर जियो वर्ल्ड सेंटर में है। यह फाउंटेन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के अथक प्रयास से धीरूभाई अंबानी के याद में बना एक फाउंटेन है। जो लोग दुबई का मशहूर फाउंटेन शो देखने नहीं जा सकते, उनके लिए तो ये अंबानी परिवार की तरफ से मानो तोहफा है, जो कि बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री। यहाँ आने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। आप अपने मोबाइल से इस शो की फ्री बुकिंग बुक माई शो की ऐप से या जियो वर्ल्ड सेंटर की वेबसाइट से घर बैठे ही कर सकते हैं। यह शो दिन में सिर्फ एक ही बार होता है, जिसका समय शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक का है। यह आपको शाम 6 बजे से प्रवेश मिलना शुरू हो जाता है। वैसे तो ये आधे दिन के पिकनिक स्पॉट की तरह है, लेकिन अगर आपको यह पूरे दिन एंजॉय करना है तो आप इसी जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में पूरा दिन बिता सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे ओपन सिनेमा हॉल भी मौजूद है, जिसकी खूबी यह है कि आप अपनी गाड़ी को ही सिनेमा स्क्रीन तक ले जा सकते हैं और सिनेमा देख सकते हैं। यानी दिन में मॉल, शाम को फाउंटेन शो और रात होते ही सिनेमा। यहाँ तक आने के लिए आप बांद्रा या कुर्ला रेलवे स्टेशन आने के बाद यहाँ से आप 310 नंबर की बस से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक आ सकते हो। और टू व्हीलर या फोर व्हीलर वालों के लिए पता है धीरूभाई अंबानी स्क्वायर, जियो वर्ल्ड सेंटर, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की दूसरी जगह है संजय गांधी नेशनल पार्क। अगर आप मुंबई के आसपास रहते हो और इस जगह पर पहली बार जाते हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप दंग रह जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा जंगल इतनी सुंदरता के साथ और वो भी मुंबई जैसे भीड़भाड़ वाली जगह के बीचों बीच, आपको यकीन ही नहीं होगा। हाईवे से अंदर की तरफ आते ही आपको यह संजय गांधी नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार दिखाई देगा। यहाँ आपको सारी सूचनाएं इस बोर्ड के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आप आपके गाड़ी से यहाँ आते हैं तो आपको यह पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है, और अगर आपको अपने गाड़ी से ही अंदर प्रवेश करना है तो आप अपनी गाड़ी की एंट्री फीस देकर उसी में ही घूमने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको धमाल मस्ती करने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज मिल जाती है, जैसे कि यह आप बोटिंग कर सकते हैं, मिनी ट्रेन में बैठकर पूरे पहाड़ का चक्कर लगा सकते हैं, बस में बैठकर जंगल सफारी का अनुभव ले सकते हैं, गार्डन में खेल सकते हैं, और अगर आप घर से ही खाने का टिफिन ले आते हैं तो यहाँ बैठकर खाना भी खा सकते हैं। यहाँ का सबसे लंबा स्पॉट है कान्हेरी केव्स, जो प्रवेश द्वार से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं या बस से मात्र 10 रुपए में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ का नजारा काफी सुंदर और मनमोहक है। यहाँ आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। बारिश के दिनों में तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। संजय गांधी नेशनल पार्क तक पहुँचने के लिए
आप बोरेवली रेलवे स्टेशन तक कहीं से भी पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से प्रवेश द्वार की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है और शेयरिंग रिक्शा आपको यहाँ तक मात्र 20 रुपए प्रति व्यक्ति पहुंचा देती है। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की तीसरी और आखिरी जगह है सुला वाइन यार्ड। यह जगह मुंबई से थोड़ी दूर जरूर है मगर बेहतरीन रोड होने की वजह से आप सुबह जल्दी जाकर रात तक आसानी से अपने घर पहुंच सकते हैं। ये जगह वाइन बनाने के साथ साथ एक परफेक्ट फैमिली डेस्टिनेशन भी है। यहाँ वनडे पिकनिक के साथ साथ आप स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ प्रवेश करने के लिए प्रति व्यक्ति 600 रुपए फीस के रूप में लिए जाते हैं। वीकेंड में यह 1000 रुपए तक होते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस फीस को आप रेस्टोरेंट के खाने में, वाइन टूर में या शॉपिंग बिल में माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ की हर एक जगह काफी खूबसूरती के साथ सजाई गई है। इंस्टाग्राम या सेल्फी लवर्स के लिए यह जगह किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ का मुख्य आकर्षण वाइन टूर है। वाइन बनाने की प्रक्रिया के साथ साथ आपको वाइन टेस्टिंग का भी अनुभव प्राप्त होता है। पर हाँ, इस टूर के 1200 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज होता है। यहाँ एक कैफे के साथ साथ एक रेस्टोरेंट की सुविधा भी है। सुला वाइन यार्ड तक पहुँचने के लिए सबसे आसान तरीका बाय रोड है। नासिक से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुला वाइन एक परफेक्ट फैमिली डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों यह थी वो तीन जगह जो मुंबई से काफी करीब है, जिसे आप वन डे पिकनिक के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारा काम पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।